नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ एक टोटके के बारे में जानते हैं, उपायों के बारे में जानते हैं। टोटके बेसिकली होते क्या हैं दोस्तों? साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। साइंटिफिक ढंग से अगर हम सोचें तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आजकल देखते होंगे आप बाहर जो भी एजुकेटेड लोग हैं, सभी को पता है कि हम जब परेशान होते हैं या डिमोरलाइज होते हैं, किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जब समस्या आती है तभी हम समाधान की तरफ भागते हैं। पर कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई हमारी मदद नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं। और वो हम भी उस कार्य को तभी ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी बची हुई रहे। अगर हम निराशावादी हो जाएंगे, अगर हम अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम देने की बजाय ये सोचने लग जाएं कि ये काम तो मेरे से हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बीमार हो गए, आपने ये मान बैठा कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई दुनिया का डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप में बिलीव है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, इसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हुए वो करूँगा, तो आपकी एक होप बनती है कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, चाहे वो रोग असाध्य ही क्यों ना हो। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ दोस्तों, तो ही ज़रूरत पड़ती है टोटकों की। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके घरों में धन धान्य या पैसे नहीं होते हैं, कोई गरीबी से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। इन्हीं कंडीशंस में हम टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सबका एक बिलीव होता है, एक अदृश्य शक्ति पर उस कंडीशन में हम लोग बिलीव करने लगते हैं जब हमारी इंसान कोई मदद नहीं कर सकता, हम जानते हैं कि हमारी मदद कोई और नहीं कर सकता, तब एक अदृश्य शक्ति पर हम लोग भरोसा करने लगते हैं जिन्हें हम भगवान बोलते हैं। ये फैक्ट है कि हमारे लाइफ में इसका फ़र्क भी पड़ता है दोस्तों। हम लोग कई बार सफल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस अदृश्य शक्ति की वजह से हमारी सोच बदलती है, हम पॉजिटिव ढंग से चीज़ों को सोचना स्टार्ट करते हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिव ढंग से लेते हैं कि कैसे इसे करना है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते रह जाते हैं कि मैं कभी निकल ही नहीं पाऊँगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, मैं इससे तो पार पा ही नहीं सकता, इससे बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपको एक फेथ की ज़रूरत होती है। जब हम बहुत दुखी भी होते हैं तो हम किसी से भी अपनी बात को शेयर कर लेते हैं तो थोड़ा मन हल्का होता है। ठीक उसी तरह से टोटके वर्क करते हैं। तो आज एक टोटका हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसके सहारे आप अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, आप अपने कार्य को लगन से करेंगे, निष्ठा से करेंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। ये बात ध्यान रखें कि कोई भी टोटका आपको सफलता नहीं दिलाता है, सफलता आपको आपकी सोच दिलाती है। और वो सोच कैसे होगी? जब आप खुद में बिलीव करेंगे। अगर ये बात आप समझते हैं तब तो आपको टोटके की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको की ज़रूरत होती है कि मोटिवेट किया जाए या कहीं से वो प्रेरणा लें, तो वो अदृश्य शक्ति उनको लगता है कि हमारी मदद कर रही है, जिसकी वजह से वो पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, जिसकी वजह से सफल हो जाते हैं। ऐसे ही एक लौंग का ये नुस्खा है या टोटका है दोस्तों। आप अपने घर में जहाँ पर भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर एक अखंडित से मतलब है कि जो टूटी हुई लौंग ना हो, जिसका फूल भी पूर्णतः हो, उस लौंग को लीजिए और अपने पूजा गृह में, यानी कि जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वहाँ पर आप इसे रख दीजिए। और पूरी निष्ठा के साथ ये ध्यान रखें कि जब भी कोई कार्य करें तो तभी करें जब आपको उसमें निष्ठा हो, आपको उसमें विश्वास हो, वरना उसको आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम विश्वास से नहीं करेंगे, आपकी सफलता वहीं रुकी हुई है, आप कहीं सफल हो ही नहीं सकते। जब आपको बिलीव ही नहीं है उसमें तो सफल कैसे होंगे? तो सबसे पहली चीज़ होती है बिलीव करें, इसके बाद आप करेंगे तो सफलता भी मिलेगी दोस्तों। क्योंकि आप करेंगे और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अगर आप कर्म करते हैं तो सभी जानते हैं कि सफलता मिलेगी, आपको सफलता आपकी मेहनत दिलाएगी दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार से अगर ये लौंग रखते हैं और आप मेहनत करते हैं तो आपको एक अदृश्य मानसिक शक्ति मिलेगी, आपके माइंड में ये बात रहेगी कि हाँ हमारी मदद कोई कर रहा है, जिसकी वजह से आप असंभव कार्य को भी कर पाएंगे दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा मानव शरीर जो है वो क्षमताओं का भंडार है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। मान लो आप भाग रहे हों, दौड़ दौड़ के थक गए हों, आप कह रहे हो कि अब तो मेरे से उठा भी नहीं जाएगा, हिला भी नहीं जाएगा, और ठीक उसी कंडीशंस में आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ जाए, इमेजिन कीजिए कि आप कितनी तेज़ी से भागेंगे।
यही है हमारी अदृश्य शक्ति या क्षमता जिसके बारे में हम भी नहीं जान रहे होते हैं। तो वहीं जब हम बिलीव करते हैं उस गॉड पे, उस भगवान पे, तो ये शक्तियाँ कार्य करना स्टार्ट कर देती हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था आज का हमारा नुस्खा, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और जानकारीपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।